स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITAS स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में वेल्डिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें किए हुए थे, जिसमें हमने आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया था, आर्क वेल्डिंग में यूज होने वाले टूल्स के बारे में भी बताया था, और वेल्डिंग जोड़ जो होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उनके बारे में, वेल्डिंग इंट्रोडक्शन, इन सब चीजों के बारे में हमने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं शूट कर पा रहे थे, क्योंकि हम कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिन बाद आज फिर शूट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे वेल्डिंग से ही संबंधित। आज गैस वेल्डिंग से संबंधित कुछ बात करेंगे कि गैस वेल्डिंग क्या होता है और गैस वेल्डिंग में यूज होने वाले कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग में यूज होने वाले सबसे जो मेन टूल्स होते हैं, उसमें रेगुलेटर होता है, होस पाइप होते हैं, और इस प्रकार जो गैस वेल्डिंग में सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, और सिलेंडर में थ्रेड कैसे कटे, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है गैस वेल्डिंग क्या है। तो गैस वेल्डिंग एक ऐसी युक्ति है, वेल्डिंग यानी अस्थाई जोड़ जो बनाता है वो वेल्डिंग होता है। तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला करके जब फ्लेम उत्पन्न किया जाता है, और फ्लेम के द्वारा किसी दो पार्ट्स को, दो मेटेरियल को जोड़ा जाता है, तो गैस वेल्डिंग आता है, और इस प्रकार को गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रमुख सिलेंडर होते हैं, जिसमें एक सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है, दूसरा सिलेंडर एसिटिलीन का होता है। तो ये सब जो हो गए, इन दोनों का मिक्स करके और फ्लेम निकलते हैं, और इस प्रकार जो ज्वाइंट बनते हैं वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के टूल्स की जो गैस वेल्डिंग में उपयोग होते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं आज हम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो ये देखिए, आपको ड्राइंग में दिख रहा है, पिक्चर में, ये हो गया अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये जो दिख रहा है आप देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो है गैस वेल्डिंग के लिए एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बोतल होती है, जो कि अलॉय स्टील की बनी होती है, और इसकी लंबाई जो होती है बड़ी होती है, और इसका व्यास जो होता है वह कम होता है। यानी जो होता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है वह लंबाई में लंबा होता है, देखिए ये ड्राइंग में दिख रहा है, लंबा होता है, और इसका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, वह कम व्यास का होता है, और इसके जो ऊपर में, सिलेंडर के ऊपर जो होती है वह थ्रेड कटी होती है, और वो थ्रेड जो होती है राइट हैंड थ्रेड होती है। ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आपको जो दिख रहा है, देखिए ड्रॉइंग में, पिक्चर में, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, यह अलॉय स्टील की बनी होती है, यानी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मटेरियल की बात करें तो अलॉय स्टील की होती है, इसकी लंबाई बड़ी होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वह कम होता है, और इसमें राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 7 मीटर क्यूब की क्षमता होती है इस सिलेंडर में, और इसका दबाव जो होता है 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये जो है प्रेशर की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन रेगुलेटर जो होता है वह इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन रेगुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर गैस। अब बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर गैस की। तो सेम ऑक्सीजन सिलेंडर गैस की तरह ही एसिटिलीन सिलेंडर गैस भी होता है, लेकिन यह जो है ऑक्सीजन सिलेंडर गैस लंबा होता है। देखिए आपको ये ड्रॉइंग में दिख रहा है, ये जो है छोटा वाला जो है वह एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, जबकि बड़ा वाला जो है, लंबा जो दिख रहा है, वह ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर की हम बात करें तो यह भी जो है अलॉय स्टील का बना होता है, और देखिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है उसका कलर जो होता है काला होता है, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बात करें तो यह मैरून कलर की होती है, अर्थात रेड कलर की होती है, और इसकी लंबाई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की लंबाई से, एसिटिलीन गैस की लंबाई की बात करें तो वह कम होती है, और इसका व्यास बड़ा होता है। यानी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लंबा होता है जबकि व्यास उसका कम होता है, लेकिन एसिटिलीन गैस सिलेंडर लंबाई में कम होता है, लेकिन उसका डायमीटर जो होता है व्यास बड़ा होता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं इसके ऊपर में, और इसमें जो है एसिटिलीन रेगुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि उसमें बाएं हाथ का थ्रेड कटा हुआ होता है, और यह जो है हाइड्रोकार्बन गैस है, जो एसिटिलीन गैस है वह काफी प्रेशर के द्वारा इसमें भरा हुआ रहता है। तो बात करते हैं इसकी क्षमता की, तो ये 6 मीटर क्यूब यानी 6 मीटर क्यूब की क्षमता होती है, और प्रेशर की बात करें तो 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है प्रेशर से इसमें भरा जाता है। तो
तो ये हो गया सिलेंडर की बात। देखिए आपको ड्राइंग में दिख रहा है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और एसिटिलीन गैस सिलेंडर। जो बड़ा वाला है वह है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और छोटा है वह है एसिटिलीन गैस सिलेंडर। और इस दोनों सिलेंडर के ऊपर जो है आपको देखिए दोनों में जो है रेगुलेटर लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर। ये प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, इस सिलेंडर से जो गैस निकलते हैं उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ब्लो पाइप जो दिख रहा है ड्रॉइंग में, ये ब्लो पाइप से होकर के और ये जो है वेल्डिंग किए जाते हैं। तो ये जो पाइप है वो ब्लो पाइप है और ये ऊपर जो लगा है वो रेगुलेटर है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा है उसमें थ्रेड कटे होते हैं राइट हैंड साइड में, और एसिटिलीन गैस में जो थ्रेड कटे होते हैं वह लेफ्ट हैंड साइड में, माने लेफ्ट हैंड के थ्रेड होते हैं। और एसिटिलीन गैस सिलेंडर छोटा होता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बड़ा होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर काला होता है, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर मैरून या लाल कलर का होता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके गैस वेल्डिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें हमने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में अभी देखा, और पिक्चर में भी समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं इसमें प्रयोग होने वाले रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर जो होते हैं वह दोनों सिलेंडर के लिए अलग अलग रेगुलेटर होते हैं। पहला जो रेगुलेटर होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस प्रेशर रेगुलेटर, और दूसरा जो होता है एसिटिलीन गैस प्रेशर रेगुलेटर। ऑक्सीजन गैस वाले प्रेशर रेगुलेटर जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगते हैं, जबकि एसिटिलीन गैस वाले प्रेशर रेगुलेटर जो है वह एसिटिलीन गैस सिलेंडर में लगते हैं। अब देखिए इस प्रेशर रेगुलेटर पे क्या क्या होता है, आपको देखिए ड्रॉइंग में दिख रहा होगा। इसमें क्या है, दो डायल लगे हुए थे और इसमें थ्रेड कटे हुए हैं। तो यह जो है इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो गैस प्रेशर है वह वर्किंग प्रेशर के अनुसार कम करने के लिए तथा ब्लो पाइप से ऑक्सीजन गैस को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यानी रेगुलेटर का प्रयोग जो होता है वह ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के गैस प्रेशर को वर्किंग प्रेशर के अनुसार कम करने के लिए तथा ब्लो पाइप से ऑक्सीजन गैस को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एसिटिलीन गैस में भी होता है कि इसमें जो क्या होता है, एसिटिलीन गैस प्रेशर और ब्लो पाइप से एसिटिलीन गैस के नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस में बाएं हाथ थ्रेड की चूड़ी कटी होती है, और ऑक्सीजन में गैस सिलेंडर में राइट हैंड साइड, जबकि एसिटिलीन गैस में लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेड कटी होती है। तो ये देखिए आप, आपको ये रेगुलेटर जो दिख रहा है, रेगुलेटर में देखिए क्या क्या होता है। तो आप देखिए रेगुलेटर में क्या है, नीचे में जो दिया है वह थ्रेड कटा होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए बात करें तो वह थ्रेड जो होता है राइट साइड में होती है, यानी RHS होती है, जबकि एसिटिलीन के लिए बात करें तो वह LHS होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब। तो ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए देखिए रेगुलेटर दिया हुआ है, ड्रॉइंग में दिख रहा है। इसमें दो ऊपर में डायल लगे होते हैं, एक डायल जो होता है देखिए इसमें वर्क प्रेशर गेज होता है, यानी वर्किंग प्रेशर गेज होता है, यानी कितना प्रेशर से काम करना है वह गेज दर्शाता है, जबकि दूसरा डायल जो होता है वह सिलेंडर के प्रेशर को दर्शाता है, यानी सिलेंडर में जो गैस है उसके प्रेशर को एक डायल दर्शाता है, जबकि दूसरा डायल, इसमें दो डायल लगे होते हैं रेगुलेटर पे, देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। एक जो होता है वर्किंग प्रेशर को मापता है, वर्किंग प्रेशर गेज है, और दूसरा जो है सिलेंडर का प्रेशर गेज है। और उसके ऊपर में देखिए बाहर में जो लगा है एक हैंडल की तरह लगा हुआ है, यह जो होता है रेगुलेटर के प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए इसमें नट की तरह देखिए बना हुआ है, जिसको घुमा करके इसके प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। और इसमें देखिए नीचे एक ब्लो पाइप लगाने के लिए एक होल बना रहता है, जो ऑक्सीजन गैस के लिए ब्लो पाइप, यानी उस थ्रेड के नीचे ब्लो पाइप लगाने के लिए एक होल बना हुआ होता है, जिससे ब्लो पाइप निकलता है। तो ये हो गए प्रेशर रेगुलेटर। फिर बात करते हैं होस पाइप की। तो प्रेशर रेगुलेटर में ही होस पाइप के लिए एक होल बना हुआ होता है, जो कि आप नीचे देख रहे हैं। ये होस पाइप जो होता है यह एक विशेष प्रकार की पाइप होती है, और इसका प्रयोग गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, अर्थात सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर में से गैस को ब्लो पाइप के द्वारा जो है यह एक विशेष प्रकार के गैस को पहुंचाने के लिए ब्लो पाइप प्रयोग करते हैं। यह जो है ब्लो पाइप, होज पाइप जो है ब्लो पाइप के द्वारा जो है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और यह जो पाइप होता है यह मजबूत होता है, और यह कैनवास या रबड़ का बना हुआ होता है, और यह बहुत लचीला होता है तथा मजबूत होता है। यह विभिन्न साइज में मिलता है, इसके साइज इसके अंदर के व्यास से लिया जाता है। होज पाइप जो होता है, होज पाइप की बात करें तो देखिए ये जो पाइप दिख रहा है यही है होज पाइप, और यह जो है होज पाइप
यह इसकी साइज की बात करें तो इसके अंदर का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, उस प्रकार इसको लिया जाता है। होस पाइप की बात करें तो होस पाइप का भी रंग जो होता है ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए लाल होता है। फिर होस पाइप रेगुलेटर को ब्लो पाइप से जोड़ने के लिए क्लिप या निपल प्रयोग किया जाता है। देखिए अब क्या होता है कि होस पाइप जो है, होस पाइप को रेगुलेटर के साथ जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए इसमें क्या होता है कि इस जोड़ को बनाने के लिए एक क्लिप या निपल प्रयोग किया जाता है, जिसको हम नट भी बोल सकते हैं। यानी होस पाइप को रेगुलेटर में क्लैंप करने के लिए छोटा सा एक नट होता है और उसकी आवश्यकता होती है। जबकि अब देखिए, अब नट में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में दाएं हाथ के नट यानी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में राइट हैंड साइड का नट प्रयोग करते हैं, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर में बाएं हाथ का नट या निपल प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोनों नट को यानी दोनों रेगुलेटर जो होते हैं, देखिए ड्रॉइंग में ये जो नट दिखा रहा है, ये देखिए ड्रॉइंग में दो नट दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर में जो ये बड़ा सा लंबा दिख रहा है, इसी के द्वारा जो है होस पाइप इसमें फिट करके, और जो थ्रेड की तरह दिख रहा है, नट की तरह जो दिख रहा है, इसमें देखिए एक जो है सिंपल है, सादा है, जबकि दूसरा जो है उसपे थोड़ा सा बीच में कट लगा हुआ है। तो इसी प्रकार इस दोनों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो प्लेन वाला है वह जो है ऑक्सीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें जो थ्रेड होता है वह राइट हैंड साइड का होता है, जबकि जिसपे ये खांचे बने होते हैं बीच में थोड़ा सा ग्रूव की तरह कटा हुआ था है नट पे, तो ये जो है एसिटिलीन के लिए प्रयोग करते हैं, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड का थ्रेड कटा हुआ है। और यह जो है इसका कलर, जो कलर की बात करें तो इसका कलर जो है एसिटिलीन वाले के लिए हमेशा याद रखना मैरून या लाल कलर, और जो है ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन काले रंग की हो गई। तो ये रहे कुछ गैस वेल्डिंग से संबंधित उपकरण और सामान। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपके दोस्तों तक भी बेनिफिट पहुंचने चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे हम वेल्डिंग से ही कुछ और बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।